मूसलाधार बारिश, और ऐसा लग नहीं रहा था कि आज ये सूर्य देवता जी हमें दर्शन देंगे, पर अभी हो गया है एकदम क्लियर स्काई। तो हम जहाँ से ठहरे हुए हैं यहाँ से ये 2 मिनट की कोई ड्राइव है, हमारा रिजॉर्ट जो है वहाँ से शटल आ रही थी यहाँ पे, शटल फ्री है लेकिन वो पार्क के अंदर आने के लिए एंट्री फीस है $2 पर पर्सन, एंड आई थिंक ये वर्थ इट है क्योंकि कल हम मीरामार बीच की तरफ गए थे, उस साइड भी काफ़ी क्राउडेड था और काफ़ी क्या बोलूँ मैं, कमर्शलाइज था। यहाँ पे आप देख रहे हैं दूर दूर तक तो बीच है, अभी चक्कर ये है कि बारिश होके हटी है तो ये इन्होंने फ्लैग्स लगा रखे हैं यहाँ पे, तो स्विमिंग अलाउड नहीं, आप ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते अंदर समुंदर के क्योंकि यहाँ पे रिप करेंट्स बनते हैं, तो पानी उछाल उछाल के दोनों साइड में मारता है और मेरा सामना। ठीक है, हम उसको फॉलो करेंगे। हैंड का कलर देखें तो मतलब अनबिलीवेबल, आप देखिए चमक रहा है ऐसे कि नज़र नहीं आ रहा चकमा पहन के, पता नहीं वीडियो बंद भी नहीं है। नहीं, बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं, मजे और रखे हैं सबके। क्या बना रहे हो आप? ये उन्होंने कैसल बनाया, 3 कैसल बना डाले एक ही बारी में, कर जाओ। वो श्वेता बैठी है वहाँ पे अपने मज़े कर रही है इंस्टाग्राम फोटो में, पानी आ रहा है ठंडा, देखते हैं पानी कैसा है। ये बात ओ मज़ा, ज़्यादा ठंडा नहीं है, ज़्यादा आगे जा नहीं सकता मैं, पर ठीक है। आज कलर्स नज़र नहीं आ रहे उतने अच्छे जितने पहले आ रहे थे क्योंकि सन के साथ कलर चेंज होते हैं पानी के लेकिन ठीक है, पानी क्लियर है, मज़ेदार है। अभी भैया हमें लग रही है भूख, शायद हम कुछ यहीं ऑर्डर करेंगे, देखते हैं कि रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे। यहाँ पे चक्कर क्या है अमेरिका में, एक चीज़ का कि सबसे बड़ा दूर दूर है, और जब तक आप गाड़ी वाड़ी ना लेके आओ ना, मतलब लिफ्ट वगैरह चलती है, ऊबर भी चलती है, बट आई थिंक यहाँ पे ट्रैवल करने का सबसे मज़ेदार तरीका है अपनी गाड़ी हो, पार्किंग वार्किंग कर लो, और खाने वाने में सामान वामान लेने में आसानी रहती है क्योंकि अमेरिका इज लार्जेस्ट इन लाइफ, एवरीथिंग इज बिग। वो देखो ऊपर एक लाइटर आ गया, चलता रहता है मायमी में जब थे हम, तो वहाँ पे भी बहुत देखा मैंने, मैसेज लेके आता है या तो कोई कई बार किसी से शादी वादी के लिए प्रपोज करना होता है तो ये बड़ा बढ़िया स्टाइल होता है उनका, ये कह रहा है boomeraviation.com, तो दैट्स अ गुड वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। चलो जी तो वो यहाँ तो अंदर तो मुझे नहीं लग रहा कोई हायरिंग के लिए है, कहाँ से अंदर है यहाँ पे, नहीं तो दे मस्ट हैव हायर्ड इट आउटसाइड द पार्क ना, यहाँ तो कुछ मैंने नज़र नहीं आ रहा, आई डोंट थिंक बिकॉज यहाँ पे तो अंदर पार्क है ये वाला एरिया जो है, और हम वहाँ से आ रहे हैं बीच की तरफ से। Smile. You have 2 teeth. हम जा रहे हैं इधर ना, डेस्टिन कॉमर्स ना, चलो देखते हैं भैया यहाँ क्या क्या मिलेगा, काफ़ी कुछ लग रहा है। अंकल पंक्स फिश बोल एंड ग्रिल, यही वाला है, काफ़ी लोग आए हुए यहाँ जहाँ पे लग रहा है मुझे। There's a shopping area also. Oh my god, there's a crash. Turn left, then you will reach your destination. They would have moved them to the right. Uh-oh. Bag उठा लेते हैं हम अपना और चलते हैं। तो ये जगह है जी Destin Common बोलते हैं इस जगह को, ये थोड़ा सा हमारे यहाँ से मारे हैं फ्रिस्को से टेक्सास उसकी तरह ही है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं आसपास, काफ़ी सारे चॉइसेस ऑफ रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे पीछे, ये कुछ फेमस सा लग रहा है इनका फिश बॉल,
नाम इसका है, यहाँ पक्का ऑब्वियसली सी फूड मिलता होगा और काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट मिल रहा है, फ्रेश फिश या कुछ मिलती होगी। पर हम जाके अब थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे विच है, चिपोतले हैं, ये हर जगह ही मिल जाती हैं। आगे जाके होल फूड्स भी है, तो पता नहीं क्या है, चलो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या खाना है। चिपोतले एक्चुअली नो फस, यहाँ मैक्सिकन ग्रिल टाइप का खाना है, यहाँ पे चावल वावल मिल जाएंगे, राजमा बनाते हैं लोग, ब्लैक बीन्स साथ में कुछ वेजिटेबल कर लेंगे। हमें बताओगे इस जगह का क्या नाम है, हम कहाँ पे आए हैं, व्हाट इज दिस प्लेस कॉल्ड, फ्लोरिडा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, मोगेम्बो खुशुआ। यार ये चिपोतले का बेस्ट पार्ट ये है कि ना अपनी प्लेट ले लो और अपना बना सकते हो खाना, आगे चलते रहो और धीरे धीरे अपना चावल चूज कर लो, सब्जी चूज करो, सैलड चूज करो। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं भी बनवाऊँगा फिर दिखाता हूँ क्या खाना, वेजिटेरियन आज मेरा चॉइस टू वेज, सो नो बीन्स फॉर मी एंड आई एम हैविंग द पोलो असादो एंड those are peppers yeah little bit of that some yeah I'll have the salsa salad and what else a little bit of corns those are corns yeah that's it is that hot sauce put a little very little on the side please yeah that's it thank you That should be all. ये हमारा भोजन क्या है कि इसमें सब कुछ डाल दिया उसने, थोड़ी खिचड़ी सी बन जाती है, बीच में एक चिकन है जो हम ढूंढ लेंगे, साथ में हमारी रुमारी रोटी है, ये बेसिकली भरी तो है ये, तो उसने दे दिया फ्री में, बना चुकी थी, मैं कुछ खा लूँगा इसका। तो आइए ट्राई करते हैं, अच्छा स्वाद लग रहा है, कोई नया फ्लेवर आया है चिकन का जो मुझे दिख गया है, खा के बताते हैं आपको। ओके मम्मी तो आधा खा चुकी है ऑलरेडी, हाँ लेट मी डिग इन एंड सर्च, हाउ वाज द फ्लेवर, ये नया है, थोड़ा ज़्यादा बारबेक्यू सॉस और गार्लिक इसमें, लाइम भी है, अच्छा है और अच्छा बना है, और मुझे ज़्यादा साफ लग रहा है, स्मोक क्लीनर देन द वन यूजली सर्व, तुमने राजमा भी डलवाया, तो ये बोल रहा था मैं, राजमा लग रहा है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए राजमा करी की ऐसी लाजवाब रेसिपी लेकर आए हैं, आपने जितनी रेसिपी देखी है ना उससे ये 10 गुना स्वादिष्ट बनती है। जिनको वेजिटेरियन का शौक है, ब्लैक बीन्स मिल जाते हैं, सलाद डलवा लो, साथ में चीज़ डलवा लो, ऊपर से भर दो इसको, थोड़ी सॉस वॉस ले लो, ड्रिंक ले लो और मज़े से खाओ। तो आगे का प्लान अभी हमने सोचा नहीं है, फिर अपना पेट भरेंगे, फिर कहाँ जाएंगे स्विमिंग करने, वहाँ पे जाएंगे होटल, स्विमिंग वापस पूल जा रहे हैं कि स्विमिंग करेंगे, वहाँ पे जाके बीच में जाना है, धूप निकलेगी, बीच में होते हुए जाने गंदे होके, चलो फिर पूल में जाते हैं आज, वहीं पे चिल करेंगे, चलो बड़ा तो यार चलो हो गया, थर्सडे आज थोड़ी ना शाम को करेंगे, ले एक मिनट में बोल दो कि लाइव म्यूजिक हो गया आज वेडनेसडे, ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार तेरी क्या बात, चोट वो भी है, बीच में जाके मजा आएगा, बीच में सॉरी पूल में, वहीं पे करेंगे फन, मिलते हैं। एक चिप का टुकड़ा देना, अरे खोल तो दे, डिप तो कर लेंगे, इसमें डिप करूं, दिस इज हॉट सॉस, ये कैसा है, मतलब ये कैसा इंतजाम हो रखा है, बिकॉज ये पापड़ है, ये उसको डाल के भर लिया हमने, पता नहीं चावल भी आ गए थोड़े से, पर मुझे वो रोटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, फिर ज़्यादा क्रिस्पी है, वो हमारा छोटा न्याणा एक जा रहा है, अलग से आइसक्रीम खानी है उसको, वो लेके आएंगे लोग, देखते हैं कौन सा फ्लेवर है।
क्या लेके आयो? ये हमारे अमीगो हैं, मैक्सिकन से हैं, मैक्सिको से हैं ये। इनको आइसक्रीम बहुत पसंद है। कौन सी खा रहे भैया, दिखाओ क्या आइसक्रीम भैया? वनीला चॉकलेट चिप कुकी डो। बढ़िया लग रहा है भाई, अभी खाना नहीं खाया, तू खा। अच्छी है, मज़ेदार, वेरी नाइस। और वो भी खा रही है, वो देख, वो देख। तो जी पेट पूजा होगी हमारी, जय हो मैक्सिको। मैक्सिकन खाने का मज़ा यही है, इंडिया की याद आ रही है तो यहाँ से खा लो, इंडियन खाना सही भी होता है। चले भाई। माय गॉड, सनग्लास वर्ल्ड पर मी इतने सारे सनग्लासेस। शॉप्स बहुत सारी यहाँ पे, लेकिन बट इट्स, मुझे लग रहा है ये तुम्हारा जो एलन प्रीमियम स्टोर है उससे बड़ा है। बढ़िया पूल है ये, बहुत बढ़िया, बच्चे तो बहुत खुश हैं। और उस साइड जाके दो चार जकूजी लगे हैं पीछे।